गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम एक जगह जा रहे हैं और उस टाइम हमने रिवील नहीं किया था, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कश्मीर और आधे रास्ते हम आ ही चुके हैं। मैं फ़िलहाल खड़ी हूँ जम्मू के आउटस्कर्ट्स में। हमने जम्मू सिटी क्रॉस कर ली है, रात को हम जम्मू में ही रुके थे और अभी हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। तो कल का हमारा जो सफ़र था वो बहुत ही बारिश से भरा पूरा रास्ता, बस इतनी अंधाधुंध बारिश होती रही। We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again. तो आज इस व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं श्रीनगर। It's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. तो आज मौसम ना जम्मू में बहुत ही बढ़िया हो रहा है और हम रुकते रुकाते चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक वैष्णो ढाबा हमें मिला है। यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता करते हैं, बट बहुत इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बस अब और ज़्यादा बारिश ना हो, बस यही विश कर रहे हैं। श्रीनगर हम पहुँचेंगे तो कल दो तीन दिन हमने रुकना है वहाँ पे भी, तो बारिश ना हो। हमें जितनी कल बारिश मिली है ना, भगवान करे उतनी बारिश ना हो। टनल है यार ये भी, क्या नाम है इस टनल का? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। बढ़िया टनल भाई, स्पीड लिमिट 50, हल्के ही चलाएं। तो अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, हमने वो टनल क्रॉस की, उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। वैसे पहले उसको चेनानी नाशिक टनल कहते थे, तो अब उसका नाम चेंज हो गया है, अब उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और वो बहुत लंबी टनल थी, बिल्कुल जैसे ये अटल टनल थी, बिल्कुल वैसा सेम। और 9 किलोमीटर कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और वैसी ही सुंदर थी। और यहाँ इतने बादलों का इतना नृत्य देखने को मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। पूरी वादियाँ, पूरी घाटी ये बादलों से अभी घिरी हुई है। पिछली बार जब हम कश्मीर आए थे तो बरसातें शुरू नहीं हुई थी, तो हमने वो भी देखा था। इस बार हम बरसातों में आए हैं, तो देखते हैं बरसात में कश्मीर कैसा दिखता है। आपने ट्रेन तो बहुत देखी होंगी, बट आज ट्रेन ऑन रोड देखो, ये ट्रेन का डब्बा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं इसे। पे अभी पीछे इंजन भी आ रहा था, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। पहली बार देखा है रोड पे ऐसे डब्बा भी तो आ रहा था अभी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, अभी बारिश नहीं हो रही है, एंड आई एक्सपेक्ट कि कल भी ना हो, हम अच्छे से श्रीनगर घूम पाएँ। बस काले मेघा छाए हैं पूरे, थोड़ी बहुत रिमझिम भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अभी अपने होटल रूम में चेक इन करते हैं और फिर आपको यहाँ श्रीनगर के आसपास के थोड़े से ना हम ग्लिम्सेस आज ही दिखा देते हैं। तो अभी हम थोड़ा बाहर निकले हैं अपने होटल से, कुछ देखने की खाने वाने में क्या मिल सकता है यहाँ आसपास। स्विगी यहाँ नहीं चलता है, जोमैटो शायद चलता है यहाँ पे, मैंने देखा कुछ ना जोमैटो का। और अभी हम इस लकड़ी के ब्रिज पे चल रहे हैं और अभी खाना पीना तो बाद में, पहले अपना एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं यहाँ। और बहुत ही सुंदर है, पीसफुल बड़ा है यार। चिराग कि हम कहाँ चल रहे हैं,
मैं नीचे ना गिरूं। ये मेगा यहाँ चल रही है और ये ना ब्रिज मुझे थोड़ा ना वैसा लग रहा, टूट तो नहीं जाएगा? नहीं भाई, मेरे वेट से तो टूटेगा नहीं, आपके वेट से टूटेगा तो। तुम 2 किलो ही कम हो मेरे से। चिराग आप बचोगे नहीं मुझसे। ये हाउस बोट है कोई शायद, मतलब अभी हम डल लेक से तो काफी दूर हैं, ये कोई और लेक है। चलो चिराग टाइम हो रहा है फिर खाने का। ट्रैवलिंग बहुत होगी हमारा, मतलब 2 दिन में कितना 800 किलोमीटर आ गए हम। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ चिराग। प्राउड 800 किलोमीटर प्राउड चलाया। प्राउड क्यों है? क्योंकि ड्राइवर बढ़िया मिला हुआ है, कोई झटका उटका तो नहीं आया मैडम तेज? इससे बच के चलना, कभी तुम्हारा पैर ही आर पार हो जाए। मुझे स्विमिंग नहीं आती है। मैं नहीं कूदूंगा। कितना डीप होगा ये? नहीं, क्या बोला? नहीं कूदोगे? फिर मैं कोई कश्मीर। ये होता है शादी के बाद प्यार। शादी से पहले तुम कहीं डूबो तो मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा, या फिर ऐसे डायलॉग्स मारते हैं सब। मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना वीकली ऑफ है यार कुछ। ममता ऑटो स्टैंड, यहाँ पे सब कुछ ममता ममता है भाई। यहाँ पे मंदिर आया श्री प्रतापेश्वर जी टेम्पल। रसोई द वेज किचन यहाँ खा लेंगे यार। अभी हम किसी रोड पे हैं, ये इस रोड का व्यू है। इस रोड पे हैं ढाबे सुंदर सुंदर, दिल्ली दा रसोई और दिल्ली का खाना खाया है मैंने यहाँ के। दिल्ली दा फेमस ढाबा इन श्रीनगर। हाँ यार ये ठीक है, दिल्ली दा रसोई 100% प्योर वेज। यार हम लोग ना वेज है ना, तो मतलब वेज जो होते हैं ना उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है हर जगह, किसी भी सिटी में चले जाओ। नॉन वेज के पास तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, किसी भी सिटी किसी भी कंट्री। मतलब मेरे को सामने इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है ना अभी, बट दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत दूर है। नहीं दूर है, थोड़ा अंधेरा भी हो गया है तो अभी अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो मुझे ना एक और चीज़ नहीं पसंद है जो अननेसेसरी हॉर्न बजाते हैं। तो भी हमें वहाँ शिकारा के लिए भी एक अंकल पूछ रहे थे डल लेक जाओगे, और इतने प्यारे लहजे में मजा आ गया। वो पीछे बंदा ना साइकिल पे आया यार, कन्याकुमारी से लद्दाख। ये संजय जी हैं, ये कन्याकुमारी से लद्दाख इनका टारगेट है, और ये जोश हैं कोची टू लद्दाख। तो अभी हमें 2 भाई मिले हैं जो पिछले 4-5 महीने से साइकिल पे घूम रहे हैं, अपना घर मतलब छोड़ के 1-4 महीने से बाहर है, 1-5 महीने से बाहर है। एक कोची से आए हैं साइकिल पे और एक कन्याकुमारी से, तो आइए उनसे बात करते हैं। हाय, व्हाट इज योर नेम? या माय नेम इज संजय, आई एम फ्रॉम केरला कोल्लम। कोल्लम, या। एंड सर यू, योर नेम? जोश। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? कोची, केरला। कोची, केरला। सो बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम केरला? या, केरला। एंड इट्स बीन 5 months फॉर यू? 7 months एंड 5 months। 7 months एंड 5 months से ये साइकिल पे साउथ इंडिया से पूरा वही ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच गए साइकिल पे। नेपाल, तू नेपाल ऑन साइकिल? नेपाल ऑन साइकिल। एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? इट्स लाइक we get random friends and like all are very kind to us, they give food, they give shelter, everything, and it's like full supportive. Nice to meet you. Anything you want to say to any upcoming adventurer who want to do something like this? It's just like keep supporting us, it's like really hard work and we kind of really get appreciation from people. And Jose, you want to say something, you want to add? No. Pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a... तो अब शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है,
शायरी तुम भी मार दो है, शायरी टाइम। और मैं रोमांटिक हो चुका हूँ। ओ तो हाँ एक शायरी हाँ। दो सेकंड तो सोचने के लिए दो। फुस्ती मारेगी कोई कश्मीर आके बता शायरी याद नहीं आ रही, हद हो गई यार। किसने कहा धरती पे जन्नत नहीं है, किसने कहा धरती पे जन्नत नहीं है, हम कहाँ जन्नत में ही तो हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।